हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्रश्नों। अंत निकट है, रैप्चर होने वाला, यीशु मसीह आने वाले हैं, अंत समय है। अपने प्राणों को बचा लो, नाश होने से बचा लो। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक व्यभिचार करते रहोगे? आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन है जो यीशु मसीह के लिए बोझ है, कलंक है यीशु मसीह के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियजनों जो आज अपना जीवन मस्जिद में तो गुजार रहे हैं, मगर के चाल चलन से, उनके देखने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से ऐसा लगता है मानो वे संसारिक लोग हैं। वे अपना रूप तो ऐसे बनाते हैं मानो वे स्वर्गदूत हो, स्वर्गदूत हो। एक कितना भोला भाला मसीही, और उसके चाल चलन से, उसके बोलने का ढंग आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसे बाइबल बताती है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जीसस वार्निंग, व्यभिचार एक मीठा जहर। बचाना चाहते हो तो बचा लो अपने आप को उस नरक की आग से। सब उपदेशक में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है 11:9 में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई हैं। चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है। चुनो जिसको चुनना चाहते हो। यीशु मसीह तो कहता है, भैया तू जीवन ही को चुन ले, जीवन ही को चुन ले। मगर आज हमारे मसीह बहन थोड़ा समझा लेने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। वो मसीही जो मसीही अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है, और वही मसीही उसका जीवन ऐसा हो जाता है वे पाप भी करते हैं और व्यभिचार भी करते हैं और संसारिक जीवन भी जीते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर जिंदा जलाएगा इस पृथ्वी पर। कुछ ऐसी लड़कियां हैं, मैंने देखा, अक्सर देखा है, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, पकड़ों के जैसे लिपस्टिक लगाती हैं लाल लाल, और कपड़े ऐसे पहनती हैं जो बाइबल के अनुसार बहुत ही गंभीर पाप है और घातक पाप है। ऐसे लोगों के ऊपर दूसरी मृत्यु दी जाएगी, बाइबल बताती है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं मेरे प्रिय। जो आप पाप कर रहे हो, गिन गिन का लिस्ट परमेश्वर बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब ये लिस्ट आपको खोल कर दिखाएगा। तो वहां पर कोई क्षमा नहीं, कोई क्षमा नहीं, बस वहां पर न्याय किया जाएगा। न्याय सब उपदेशक में लिखा हुआ 12:14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। आपने देख लिया बाइबल में, परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, चाहे भली हो या बुरी हो, अच्छी हो या खराब हो, परमेश्वर हर एक एक बात का, परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। समय कम है, आपका उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। याद रखना, बिना उद्धार के मर गए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको अनंत काल के लिए सीधा सीधा आपको नरक में उतार दिया जाएगा यीशु के सामर्थ्य में। परमेश्वर ने अपने हाथों में कीले ठोकवाए हैं, उसको दर्द हो रहा था, उसके दर्दों को महसूस करो। वो न सारी गर्मी, सारी हेकड़ी उस अनंत काल की आग में, उस नरक की आग में निकल जाएगी। याद रखना, आप सोचते हो मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, अगर परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसका उद्धार भी नहीं हुआ होगा, ये तो प्रचार भी करता है, ये तो खुद वही जीवन बेविचार वाला जीवन जीता है, तो याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जीसस वार्निंग, बचाना चाहते हो तो बचा लो। वीडियो बहुत ही खराब है, अगर आपने वीडियो को देख लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी 100%। आज कुछ ऐसे पादरी परे हुए हैं जो अपना जीवन संसारिक जीते हैं, प्रचार भी करते हैं, वे ऐसे बन चुके हैं जैसा बाइबल बताती है, लड़कियों से बात करते हैं, ऐसा घिनौना काम करते हैं, वे वचनों को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। मगर बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। याद रखना, स्वर्ग वही जाएंगे। बाइबल बताती है
जैसा यीशु मसीह था, परमेश्वर था, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के जैसा होगा वही स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। याद रखना, पाप और व्यभिचार और सेक्स वीडियो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमें स्वर्ग नहीं दे देगा। याद रखना, अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है लोग खराब देश न सह सकेंगे। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग खराब देश न सह सकेंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग अपस्वार्थी लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, अपवित्र हृदय हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, दोष लगाने हो जाएंगे, ऐसे लोग हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, अपवित्र कृतज्ञ दया रहित क्षमा रहित दोष लगाने वाले पियक्कड़ अभिमानी दुष्कर्म ऐसे लोग हो जाएंगे अंतिम दिनों में। और आज वैसा ही हो रहा है। बाइबल बताती है नूह का समय चल रहा है, आपको पता है लूत का समय, लूत के समय आपने देखा होगा क्या हुआ था, और नूह के समय में आपने देखा होगा कि नूह के समय में परमेश्वर ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। अरे नूह ने लोगों से बताया, मत्ती की किताब बताती है मन फिरा लो परमेश्वर आने वाला है, मन फिरा लो और खराई के साथ ईमानदारी से जीवन जियो, पाप विचार मत कर। नूह के दिनों में लोगों ने मन फिराना नहीं चाहा, लोग नूह के बातों को हंसी मुड़ा रहे थे, बोले नूह 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 पागल है, नूह तो पागल हो चुका है, नूह तो पागल हो चुका है। आज वैसा हो रहा है, यदि कोई पास्टर या मैं ही बताता हूँ तो लोग बोलते हैं ये तो पागल हो चुका है जो ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें करता है। नूह के दिन में पाप था, व्यभिचार था, इतना पाप था, इतना पाप था, इतना पाप था। उस समय स्त्री जानवर के साथ, पुरुष जानवर के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ इतना व्यभिचार बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था। बाइबल बताती है कि उन लोगों को परमेश्वर ने जिंदा पानी में डुबो दिया था, जिंदा में डूब मरे थे। 40 दिन 40 रात वर्षा हुई, इतना वर्षा हुई, जितने नूह के दिन में थे सब मर गए डूबकर, सिर्फ नूह बचा और उसके वंशज बचे थे। और आज वैसा हो रहा है, आज लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। याद रखना, जब पाप करते 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 यहाँ पर छूट गए तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पाप के जरिए नरक में जाओगे, पाप के जरिए आप नरक में जाओगे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए समय है, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो अपने आप को। क्यों ना सोना चाहते हो, क्यों नरक में जाना चाहते हो, ये वहां एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बचा लो, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, यीशु मसीह ने कहा है। जब आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? इसलिए बचा लो, बचा लो, बचा लो, परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। स्वर्ग का राज इन्हें काट आ चुका है। पापों से तौबा करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ, तुम्हारे गुनाहों को परमेश्वर मिटाएगा, तुम्हारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा और तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम बचोगे, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर करना, इस शेयर से बहुत सारी आत्माएं बच सकती हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक शेयर कर देना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जय मसीह की, गुड लक।